दो सालों के दर्द को झेलकर आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जिंदगी फिर जीत कर मुस्कुराने के लिए तैयार होकर इस प्रताप चौक में मौजूद है। आप सब जो परेशान हो रहे थे, सब कोरोना ने हमें कैसी कैसी दशाएं दिखाई, कैसे कैसे हालात दिखाए, आप जो परेशान हो रहे थे तब मैंने बहुत बड़ी जानकारी हासिल की। मैंने WHO में फोन लगाया, आप बहन में हाँ सर के बाद हमारी शकल ऐसी है तो मुँह कोई नहीं करते पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कहीं समझ में आए हो, कहीं नहीं आयो की घोड़ा रही जड़े समझ में नहीं आई, बस यही कोरोना। मुझे हमेशा कहते थे कि कानू जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, हमेशा पॉजिटिव सोचा कर, हमेशा पॉजिटिव सोचा कर। एक दिन मेरे पिताजी का कोरोना टेस्ट करवाया, मैंने पिताजी से पूछा पिताजी क्या सोचूं, तो पिताजी ने दो थप्पड़ मारी, बोले जिंदगी में कभी कभी नेगेटिव भी सोचना चाहिए। कोरोना के काल में काला ही काला दाल में कोई लगा कलंक, निज कुल दाग गया, किसी का जीवन किसी किसी का तो जन गया, किसी का सोया तो किसी का भाग जाग गया, सबकी बिगड़ी गत ऐसी फैली दहशत, आपस का राग और आपस का प्रेम और अनुराग सब गया, आपस का राग और अनुराग सब गया। मंडप में दुल्हन ने पांच चीख संग मारी, दूल्हा तो फेरे छोड़ बीच में ही। अगर कोरोना महाभारत काल में आता तो कई बनाए तो खुद ही डाल जाता, अगर कोरोना महाभारत काल में आता तो कई बनाए तो खुद ही डाल जाता। द्रौपदी स्वयंवर को बड़े मजेदार तरीके से सेट कर दिया जाता, द्रौपदी स्वयंवर को बड़े मजेदार तरीके से सेट कर दिया जाता। आधे राजाओं को तो पांडाल में आते आइसोलेट कर दिया जाता, शर्त रखी जाती कि मछली की आंख में निशाना वही राजा लगाएंगे, शर्त रखी जाती कि मछली की आंख में निशाना वही राजा लगाएंगे जो वैक्सीनेशन के दोनों सर्टिफिकेट दिखाएंगे। जीतने वाले राजा को कहा जाता द्रौपदी आपकी वाइफ नहीं है, जीतने वाले राजा को कहा जाता द्रौपदी आपकी वाइफ नहीं है, क्योंकि आपका मास्क N95 नहीं है। शिशुपाल अपनी पूरी अकड़ दिखाता, मुंह पर कभी भी मास्क नहीं लगाता, भगवान कृष्ण के बिना कुछ किए ही डर जाता, और सुदर्शन तो चलाने नहीं पड़ता, कोरोना से निपट जाता। भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत इस प्रकार से नहीं उछलती, भरी सभा में द्रौपदी की इज्जत इस प्रकार से नहीं उछलती, क्योंकि पांच लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने की परमिशन ही नहीं मिलती। लेकिन भरी सभा में द्रौपदी इसी कारण बेबस और बेचारी थी, लेकिन भरी सभा में द्रौपदी इसी कारण बेबस और बेचारी थी, क्योंकि रिश्तों पर राजनीति अब भी भारी है, तब भी भारी थी, अब भी भारी है, तब भी भारी थी। है बड़े खतरनाक दिन देखे भाई साहब, मेरा तो किस्मत ही ऐसा, मेरे साथ में घटनाएं भी अजीब अजीब होती। मेरी शादी हुई, अब शादी हुई तो सासू में, शादी के 10 साल तक फिर ससुराल नहीं गया, शादी हुई थी बच्चे 10 साल तक बच्चों हारे नहीं, क्योंकि लुगई ले आया बच्चे हारे के लड्डू खावा जाऊ। अब उधर से रोज सासू में फोन करे, रोज सासू में फोन करे, और फोन में बोले कि एक बार आओ निज भाई दी पावना, थोड़ा थोड़ा आओ निज भाई दी पावना, सारा सासू जी करे है मनुहार जवाई। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अब रोज एक बार। अब जैसे ससुराल जाता हूँ, सासू माँ गेट खोलती मुझे देखती है, मुझे देखती सासू माँ का दिमाग खराब हो जाता, सासू माँ मुझे देखती और मुझे देखते ही बोलती है कि कई काम आयो मारा ठाला बुला पाना। कई काम आयो मारा ठाला भूला पामना, रोज परो आवे मारा बेरोजगार पामना। अबे आयो तो गोबर पर नाक जमाई जा, मजा आ रहा है, एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाओ। मेरे साथ में घटनाएं बड़ी अजीब अजीब होती। देखो पिछले दिनों की बात है, मेरे घर पर चोर आए, अब चोर आए उस दिन मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए,
पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, गांव में कहीं भजन संध्या थी हनी सिंह की। पिताजी वहां गए तो चोर आ गए, मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू ए कानू उठ, बहाने चोर रह गया। तो मैंने खबर पड़ी कि बहाने चोर रह गया, आप ठेठू वीर बहादुर आदमी मेवाड़ रहा, मैं मेरे हृदय काटी होट ली थी। मम्मी दो रेट मिले उठो बंडी ले, बहाने चोर रह गया, मेरे कड़े चोर गड़े कड़े चोर गड़े। मम्मी जो बहाने सुबह मम्मी तो मेहनत नहीं आया। मम्मी क्या नहीं आया, मैं जो बहाने से ऊपर है। अबे मम्मी जो बाबा ने फोन लगा, झटकर बाबा ने फोन लगा, मैं क्यों बैलेंस नहीं है। तो मम्मी दो रेट मिले, दो चार लाता मिले, रात 2 बजे मुंह और मार मम्मी दो झड़ा लग गया। तो मैंने चोर को दिमाग खराब है, मैंने चोर जेब में 20 रुपया निकाले कमांड मेनू मैंने हरकाया। वो चोर दरवाजा रे फड़े आयो, कमांड रे फड़े और आई ने माने केवा लगा, ए रे मंगतो ए भिखारियो ए दिवाणियो ए पलड़ो मंदिर रे परमाते 20 रुपया रो बैलेंस ना कर लीजियो। मैंने शोर मचाया भाई साहब, मैंने शोर मचाया, और मैंने शोर मचाया तो क्या वाला आया। मैंने शोर मचाया भाई साहब, मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागे, भागते वो चोर एक बूढ़े मुके घर में घुसे सामने, और बटी में खाली चाय से अमृत नहीं आयो, मारे नहीं देखो कहीं था चा में जीव गई होता मोटा आदमी रह गया। सबरे राखी सोन जी कोटा की सबरी व्यवस्था की थी, बोझ मत करो, सुबह सबरे घरे एक केटली भरी चाय। देखो मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागे, भागते वो चोर एक बूढ़ी माँ के घर में घुस गए। जैसे बूढ़ी माँ के घर में घुसे तो वो बूढ़ी माँ भी जागी, जागी तो उसने शोर मचाना शुरू किया। अब उसने शोर मचाया तो उसके बेटे आ गए, जैसे उसके बेटे आए तो सारे चोर इधर उधर छुप गए, एक चोर इधर छुप गया, एक चोर इधर छुप गया। हाँ जो फोन आएगा बूढ़ी मारो। ये संयोगात्मक हास्य का आनंद लो, मजे लो बस। एक चोर इधर छिप गया, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर ऊपर है भी क्या अपने टांड पे नहीं, कहाँ पे मेवाड़ी में ऊपर टांड। अब संयोग से जो चोर ऊपर छिपा उस चोर का नाम प्रभु। घटना देखना, जो चोर ऊपर है भी उनका नाम प्रभु। अब ये डोगरा बेटा आ गया तो उन्होंने पूछे, माँ कही भी हो, काई भाई कही भी हो, काई जिया कही भी हो, तो वह भाई क्या प्रभु जाने, प्रभु जाने, प्रभु जाने। वो चोर ऊपर है फिर उन्होंने दिमाग खराब, वो तो डोगरे ऊपर ही कूदियो, ये सब प्रभु ही जाने, ये साइड में मांगी वन भेरी वन बंगरी वन कहीं नहीं जाने। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबको आशीर्वाद मिले कि चोरों ने मचाया है धमाले सा देश में, कैसा दुसंत बाबा की लंगोट के नहीं छोड़ते, आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की बोट नहीं छोड़ते, सुबह से शाम नहीं किया हो आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते, नियत की नियत गिरी तो ऐसे गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं। देखो अच्छी पंखे पर तालियां भी बजाया करो, ताकि यूं ताकि तो मन रोज में इसमें भरनी पड़े, हाउ पंखे भरनी पड़े, ताकि आपने लागे क्या रानी में लकड़ भी है। अब बाकी वे खाली ऐसा तो रोज में लगे अभी नहीं देखा, थोड़ा सा आपको अच्छी पंखे पर ताली बजानी चाहिए। माता मैंने मैं बेटी हुई, मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, और नमन इसलिए करता हूँ भाई साहब क्योंकि एक माता मेरे घर पर भी है, मेरे बच्चे की एक बहन मेरे घर पर भी है मेरे साले की, और एक पत्नी मेरे घर पर भी है मुझे बाकी घर वाले। हाँ पत्नियां दो प्रकार की होती, देखो पत्नियां दो प्रकार की होती, एक तो सुशील संस्कारवान जो जो हर बात पति की मानती है, मान लो पति दो चार लगे दे तो कहीं केवे नहीं, बिल्कुल चुपचाप सेंड कर ले, और दूसरी बात जैसा आप सबका है। दो प्रकार की होती माता मैंने, मैं पिछले दिनों में गाड़ी लाया, अभी नई गाड़ी लाया भाई साहब, नई गाड़ी लाया, लुगई में प्योर ले बैठ घूमी ना, 2-4 किलोमीटर घूमी ना, तो लुगई बैठी अगली सीट पे बैठे, लुगई ने बड़े अब 5-7 किलोमीटर आगे गया, पुलिस वाला उबा मैं के काम कर सीट बेल्ट लगे ले, तो सीट बेल्ट लगे ली, तो 5-7 किलोमीटर आगे गया, बोली मारो जीव घबराई रो, फिर मैं तो जीव किधर घबराई रो, बोले सीट बेल्ट घबराई रो, मैं तो सीट बेल्ट जीव किधर घबराओ भाई साहब, मुड़ी में देखियो सीट बेल्ट किधर लगाई। असल पाना पड़ी, वो एक
भाई और कमरे महिला कमरे में रस्सी में रस्सी लेके ऊपर बांधी पंखे से फिर यहाँ बांधी कमर में। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? बोले आत्महत्या। मैंने कहा अच्छा आत्महत्या कर रहे थे, रस्सी यहाँ क्यों बांध रहे? अटे बांधो नहीं गला में। तो लोग बोले हाँ हाँ गला में तो जीव घबरा। प्रणाम करता हूँ माता बहनों को, वैसा नमन करता हूँ। मैं देखो मेरी शादी हुई, अब शादी हुई तो पहली बार पत्नी से मिलना, बातचीत करनी पत्नी से। पत्नी अंदर बैठी हुई कमरे में, घर वाले मुझे धक्का दे रहे थे। मैंने जा, मैं क्या मान नहीं जा। घर वाला कहता है मैंने जा, मैं क्या मान नहीं जाऊ। मन में लाडू फूटी जा, पर फोन मिली तो पूरी करनी पड़े। घर वाला कहता है मैंने जा, मैं क्या मान नहीं जाऊ। पत्नी विचार की, मैं ज्यादा नाटक कर रहा तो ये कई बार है। अब मैंने ज्यादा नाटक नहीं है भैया, अंदर चला गया। अंदर गया तो सीधा आदमी में था कि कभी कभी किसी दूसरे की पत्नी से बात नहीं की, और बात करो तो वहां तो कैमरे वाले घूमते हैं। मेरी सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया भाई साहब। ऐसा धोखा जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ। मेरी साथ सासू माँ ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक बात मैंने बताई नहीं कि लुगाई ने माता जी रो भाव आवे। बड़े जाइन बैठियो, मुँह तो बड़े जाइने बैठियो, और सुबह रो तो बैरा कहीं होती रहेगा दिमाग करो। तू बड़े जाइने बैठियो ना बोलेगा। अंदर ले गई मेरी होने वाली पत्नी को दिखाई, और उसको दिखाते हुए बोली कि जीजी अनि हिंदुस्तान में 130 करोड़ मनक है। अनि हिंदुस्तान में 130 करोड़ मनक है, और आना 130 करोड़ में थने एक यो टाटवे हमें ना।